हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। तो दोस्तों, आज देखो ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी की स्टोरी हम लोग रखने जा रहे हैं अपने स्टोरी के ऊपर, तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं ये फ्रेंड का स्टोरी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ जिसे मुझे इसकी स्टोरी रखनी है। तो जैसे भी क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऐड स्टोरी का। तो यहाँ पर मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मैं किसी की स्टोरी यहाँ पर रख नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको भी अगर इसी तरह से प्रॉब्लम आ रही होगी तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। एक बार आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर इंटर होना है, मोबाइल की सेटिंग के अंदर। जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में इंटर होंगे दोस्तों, यहाँ एप्स करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ढूंढना है आपको कहाँ पर है, तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए एप्स ऑप्शन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें ओपन करना है सिंपल। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ से मैनेज एप्स करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर दोस्तों सारे जितने भी मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है, ये सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आपको देखना है यहाँ पर इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ओपन होने के बाद देखिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इंस्टाग्राम यहाँ से लिखेंगे और हम लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर इंटर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, क्लियर डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लियर ऑल डेटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके करना है। बस ये होने के बाद दोस्तों आपको और एक काम करना है दोस्तों, ये है कि आपको यहाँ से प्ले स्टोर में इंटर होना है और प्ले स्टोर में इंटर होने के बाद आपको यहाँ से इंस्टाग्राम यहाँ से सर्च करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कुछ अपडेट आया होगा तो आपको यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अपडेट करके लेना है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है कि नया अपडेट आता है तब भी हमारा ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम में यहाँ पर प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो आप लोग को जरूर ये दो सेटिंग आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। एक बार आपको सेटिंग में जाके क्लियर कैचा जो भी है यहाँ पर क्लियर कर देना और यहाँ पर प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम आपका अपडेट है या नहीं ये चेक कर लेना। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं अभी इंस्टाग्राम के अंदर, और चलिए पहले इसे अपडेट होने देते। चलिए गाइज, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, ये अपडेट हो चुका है। अभी करते हैं यहाँ से इसे हम लोग ओपन। चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है या नहीं, और लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हमारा सोल्यूशन हुआ है या नहीं। तो चलिए गाइस, दूसरी मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ यहाँ पर आप लोग किस तरह से स्टोरी यहाँ पर रख सकते हो किसी और कोई वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे इन्हें ही लेते हैं मिस फलक को, यहाँ पर देखिए इनकी प्रोफाइल हमें ओपन करनी है। और ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर इनके प्रोफाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग आएंगे इसके वीडियो के अंदर। और इनके वीडियो के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐड पोस्ट योर स्टोरी पर हम लोग क्लिक करते ही डायरेक्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है और ये हम लोग से स्टोरी इस तरह से रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा आप लोग कुछ भी यहाँ पर ट्राई करेंगे तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नए नए अपडेट जो भी आते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं इंस्टाग्राम के। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, तो आप लोग इसी तरह से आप लोग स्टोरी रख सकते हो किसी की भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज करके वहाँ पर मुझे बता सकते हो आपका प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। चलिए दोस्तों, बाय।